सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। टीम इंडिया को दो वर्ल्ड कप दिलाने वाले रांची के राजकुमार के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी 38 साल के हो गए हैं। 7 जुलाई यानी आज उनका जन्मदिन है। कभी खड़गपुर स्टेशन पर टिकट चेक करने वाले लड़के के बारे में किसी ने सोचा ना होगा कि वह एक दिन भारत का सफलतम कप्तान बन जाएगा, लेकिन धोनी ने इसे सच कर दिखाया। जीवन की शुरुआती जद्दोजहद से जूझते हुए वह दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के आदर्श बन गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, एक बेडरूम वाले घर में इनका पूरा परिवार रहता था। इनके परिवार की जड़ें उत्तराखंड में हैं। उनके पिता पान सिंह 1964 में रांची स्थित मेकॉन में जूनियर पद पर नौकरी मिलने के बाद यहीं के होकर रह गए। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई अपनी किताब टीम लोकतंत्र में लिखते हैं कि जिस वक्त धोनी का जन्म हुआ उस समय उनके पिता एक पंप ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे। उनका परिवार एक बेडरूम वाले घर में रहता था। धोनी बताते हैं कि वो उस समय छोटे और दुबले पतले दिखते थे, इसीलिए बाकी लड़कों ने उन्हें विकेट कीपर बना दिया। आपको बता दें, धोनी के स्पोर्ट्स टीचर केशव बनर्जी के मुताबिक माही बचपन से ही छक्के मारने में माहिर थे। वो स्कूल खत्म होने के बाद मैदान में पहुंच जाते थे और करीब 3 घंटे अभ्यास करते थे। स्कूल में अभ्यास के दौरान अक्सर वो पास बने घरों की खिड़कियों के कांच तोड़ देते थे और जब गार्ड पूछते थे तो बहाना बना देते थे कि किसी और ने पत्थर मारा होगा। 1997 में एक स्कूल टूर्नामेंट में 16 साल के धोनी ने डबल सेंचुरी ठोकी और अपने पार्टनर के साथ 378 रनों की साझेदारी की। मजे की बात यह है कि यह मैच 40 ओवरों का था। इसका फायदा यह हुआ कि धोनी को मेकॉन क्रिकेट क्लब में एंट्री मिल गई और उन्हें लोग पहचानने लगे। धोनी की पहली कमाई की बात की जाए तो मेकॉन क्रिकेट क्लब के बाद धोनी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की लोकल टीम में शामिल हो गए। यहां उनकी पहली कमाई हुई और उन्हें वेतन के रूप में 625 रुपए मिले। यह उनकी पहली कमाई थी। इसके बाद धोनी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी CCL क्लब से जुड़े। यहाँ उनकी कमाई में भी इजाफा हुआ जो बढ़कर 2000 रुपए हो गया। यही नहीं, धोनी को यहाँ 200 रुपए बोनस भी मिलता था क्योंकि वो एक मैच विनर खिलाड़ी थे। CCL और बिहार के लिए अंडर 19 में अच्छे परफॉर्मेंस का इनाम उन्हें साल 2000 में मिला। उन्हें रणजी ट्रॉफी में जगह मिली, लेकिन रांची जैसे शहर का होने के कारण यह जानकारी धोनी तक नहीं पहुंच सकी। राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। धोनी के दोस्त परमजीत को ही कोलकाता के एक दोस्त से मालूम चला कि धोनी ईस्ट जोन टीम के लिए चुन लिया गया था, लेकिन मालूम तब चला जब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद परमजीत ने एक टाटा सुमो गाड़ी किराए पर ली और धोनी व दो दोस्तों के साथ रात में ही कोलकाता के लिए निकल पड़े। धोनी उस दिन को याद करते हुए बताते हैं, वो पागलपन था। हमारी कार जमशेदपुर के पास खराब हो गई थी। हमें 2 घंटे लगे उसे ठीक कराने में, लेकिन हमें पूरे रास्ते बहुत मजा आया। हम गाना गाते हुए जा रहे थे। धोनी जब कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे तो टीम अगरतला के लिए निकल चुकी थी और धोनी ने ईस्ट जोन के लिए पहला मैच मिस कर दिया। हालांकि धोनी इसके बाद वहां पहुंचे और टीम से जुड़े। इसी के साथ आपको बता दें, रेलवे की नौकरी और पगार 3000 रुपए थी। जी हां, आपको बता दें, 2001 में धोनी की किस्मत ने करवट ली और उन्हें बंगाल के खड़गपुर में स्पोर्ट्स कोटा से दक्षिण पूर्व रेलवे में नौकरी मिली। यहां उन्हें क्लास 3 की टिकट चेकर की नौकरी मिली और उनका वेतन 3000 रुपए था। इसके बाद धोनी को किस्मत का साथ मिला और वो 3 महीने के भीतर ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में शामिल हो गए। हालांकि वो रेलवे की टीम में जगह नहीं बना पाए। इसके बाद उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए खुद को तैयार किया।
2003 में 22 साल के धोनी ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और अपनी फिटनेस को ठीक करने में जुट गए। इसके बाद बंगाल के पूर्व कप्तान प्रकाश पोद्दार को ईस्ट जोन के लिए नए टैलेंट को खोजने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने धोनी के खेल को देखा और रिपोर्ट चयनकर्ताओं कमेटी के चेयरमैन किरण मोरे तक पहुंचाई। मोरे हुए धोनी के मुरीद, ए टीम में हुआ चयन। जी हाँ, फिर क्या था, किरण मोरे ने धोनी के खेल को देखा और उनके मुरीद हो गए। यह वो दौर था जब टीम इंडिया के पास विशेषज्ञ विकेट कीपर नहीं था। राहुल द्रविड़ को पार्ट टाइम विकेट कीपिंग करनी पड़ रही थी। 2004 में मोहाली में नॉर्थ और ईस्ट जोन के बीच मुकाबला हुआ जिसे सभी चयनकर्ताओं ने देखा। इसमें धोनी ने विकेट कीपिंग की और खबर फैला दी गई कि दीप दास गुप्ता को चोट लगी है, उनकी जगह धोनी कीपिंग करेंगे। यहां धोनी ने 5 कैच लपके और चौथे दिन 47 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 60 रन बनाए। यहां उन्हें आशीष नेहरा की गेंद को हुक कर चौका मारा और चयनकर्ताओं का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्हें इंडिया ए टीम के लिए चुन लिया गया। केन्या में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 शतक लगाए। इसके बाद संदीप पाटिल धोनी के फैन हो गए। धोनी की किस्मत ने एक बार फिर करवट ली और 2 शतक लगाने के बाद उन्हें 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेला। लेकिन धोनी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरू की 4 इनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर 12 रन था। इसके बाद विशाखापट्टनम में धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के साथ ही धोनी की टीम इंडिया में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज जगह पक्की हो गई। धोनी इस पारी को याद करते हुए बताते हैं कि अगर वो 5वें मैच में रन नहीं बनाते तो चयनकर्ता शायद उन्हें ड्रॉप कर देते और करियर का यहीं अंत हो जाता। इसी के बाद आपको बता दें कि राजदीप अपनी किताब में बताते हैं कि धोनी 2016-17 रणजी सीजन में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। जूनियर क्रिकेट के तौर पर वो कई बार बिना रिजर्वेशन वाले डब्बों में सफ़र कर चुके थे। यहाँ तक कि धोनी को कई बार टॉयलेट के आसपास वाली जगहों में सोना पड़ता था। अब वो उस जगह पहुँच गए थे जहाँ उन्हें एसी के फर्स्ट क्लास डब्बे में सीट दी जा रही थी और साथ ही फैंस से बचने के लिए सिक्योरिटी भी मुहैया करवाई गई थी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।